यूसीसी और सीधी पेशाब कांड का देश भर विरोध हो रहा है। झारखंड में भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज शनिवार को रांची के हरमू मैदान में आदिवासी मूलवासी संगठनों के सैकड़ों लोगों ने यूसीसी और सीधी पेशाब कांड के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने बाबूलाल मरांडी इस्तीफा दो, आदिवासियों पर शोषण करना बंद करो, मोदी जी का तनाशाह नहीं चलेगा जैसे नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। लगभग एक घंटे तक स्कूल बसें सहित कई वाहन जाम में फंसे रहे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घेराव करने के लिए आए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है आदिवासी समाज को पेशाब किया गया है। एक तरफ आप यूसीसी ला रहे हैं, पांचवी अनुसूची छठी अनुसूची को समाप्त करना चाहते हैं, आदिवासी परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं, दूसरी ओर पेशाब करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग आज सांकेतिक रूप में आए हैं, पूरे इनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज करेंगे और जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि ये पार्टी आदिवासी जनविरोधी पार्टी है। इसलिए क्योंकि हम आदिवासी लोग पूरे दुनिया को बनाया, धान का उत्पादन किया, मनुष्य की उत्पत्ति की, लेकिन आज सबसे घाटा आदिवासियों का हो रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और करिया मुंडा को आप चुप्पी तोड़िए, कहिए कि आप किस आधार पर उस पार्टी में है। एक तरफ हमारे आदिवासी समाज को पेशाब किया जाता है, दूसरी तरफ हमारे आदिवासी नेता लोग जो है यहाँ पर राज करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसका घोर निंदा करते हैं और अभिलंब उसको स्पीडली ट्रायल करके ST/ST एक्ट को मजबूत करते हुए जेल की खाने में भेजा जाए। अरे आदिवासी देश में सुरक्षित नहीं है। एक मुश्त जो है UCC के माध्यम से पांचवी अनुसूची छठी अनुसूची पेशा कानून हमारी जो है CNT एक्ट SBT एक्ट समता जजमेंट को एक मुश्त समाप्त किया जा रहा है। एक तरफ आप UCC ला रहे हैं, दूसरी तरफ आप आदिवासी को पेशाब कर रहे हैं। अरे आदिवासी का मैं कोई मनुष्य को पेशाब नहीं कर सकता हूँ। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेताओं को और मोदी को और अमित शाह को चूल्हे भर पानी में डूब मरना चाहिए कि देश कहाँ जा रहा है, समाज कहाँ जा रहा है। आज कलयुग में भी आप पेशाब कर रहे हैं। अरे बाबूलाल मरांडी को तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रह करके पेशाब करते हुए कैसे वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो आदिवासी है कि नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सुदर्शन भगत, करिया मुंडा सबको इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं देते हैं तो चूल्हे भर पानी में डूब के मर जाए। अरे माफ़ी मांगना वहाँ पॉलिटिकल हो रहा है, वहाँ दिसंबर में चुनाव है, वो अभी तो पानी पिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी दलित पर कड़े कानून की आवश्यकता है, क्योंकि आदिवासी के नहीं कोई मनुष्य को हम पेशाब नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो पेशाब करके पूरे दुनिया में दिखा जा रहा है। ये तो 2024 में ही था इसकी विचारधारा, लेकिन हम देख रहे हैं 2019 में ही पेशाब जो है हम आदिवासियों पर कर रहा है। इसलिए ये आंदोलन यहीं तक नहीं रहेगी, पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे हम लोग। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उकार फेंकने के लिए हम अपनी जनता के बीच जाएंगे और आदिवासी समाज को बताएंगे कि BJP आदिवासी जनविरोधी पार्टी है, इसको वोट नहीं देना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।